आज हम शुरू करते हैं 6 क्लास का सबक नंबर 23, ठीक है, यानी 23 नंबर सबक शुरू करते हैं हम लोग 6 क्लास का। ये आपकी उर्दू की बुक है जान पहचान। चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसे। इसमें हम लोग 3 लफ्ज़ पढ़ेंगे आपके, कौन कौन से, ध, ढ और ळ, ठीक है। अब देखिए ये कैसे लिखे जाते हैं, ये बिल्कुल आपको साफ दिख रहे हैं कि दाल और दाल के साथ दो चश्मी है, फिर इसी तरह से डाल और डाल के साथ दो चश्मी है, और रे रे के साथ दो चश्मी है, ठीक है। तो इस तरह से ये बिल्कुल सामने के तौर पे लिखे जाते हैं। दो हर्फ से मिलके बने हैं, लेकिन ये जब इस तरह से जुड़ जाते हैं तो ये एक ही हर्फ काउंट होते हैं। चलिए तो दाल से क्या होगा, ध से धनुष, ठीक है, इंद्रधनुष होता है, और ध से धान, ऐसी ढ से ढकना, और ढा से ढोलक, ठीक है। ड़ा जो है वो आपका खाली होता है, तो यहाँ पे भी ड़ा आपका खाली है। चलिए अब जो नीचे हरूफ दिए गए हैं उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है देखिए, धूप, धरती, उधार, सिधार, दूध, गध, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और भी लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ढाल, ढेर, निढाल, निढाल का मतलब होता है सुस्त, कमज़ोर, है ना। ये लफ्ज़ कुछ अलग था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद क्या है, गड्ढा, पढ़ाई, सीढ़ी, बाढ़ और अलीगढ़, ठीक है। जो ये ड़ा है ना, इससे कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, इसलिए हम लोग ड़ा खाली बोलते हैं। ये बीच बीच में आता है, जैसे अलीगढ़ में आ गया, बाढ़ में आ गया, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हम लोग ने पढ़ लिया, अब ये आपके जुमले हैं, इन जुमलों को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखिए, छाता हमें धूप और बारिश से बचाता है, अख्तर निढल मत होना, यानी कि सुस्त मत होना, पढ़ाई करो मेहनत से, है ना, पढ़ाई मेहनत से करना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ है, अलीगढ़ में, ठीक है, इसे सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया था। चलिए आप लोग आगे पढ़ेंगे तब आप लोगों को ये सब चीज़ें पता चलेंगी, फिर भी मैंने आप लोग को बता दिया, अक्सर कोई पूछ लेता है तो आपको पता नहीं होगा। चलिए बहरहाल अब आपका जो सवाल नंबर 1 है, इसमें आपको क्या करना है, इन लफ्ज़ों को लिखना है। तो अब आप ये हर्फ कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ऐसे डाल बन ध बन गया, ऐसे ये ड बन गया, और इस तरह से आपका ड़ा बन गया। तो ये तो आपको बहुत आसानी से बनाने आ गए हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे हमें क्या करना है, यहाँ लिखा है इन लफ्ज़ों को लिखवाइए। अभी आपको पूरे पूरे लफ्ज़ लिखना है। देखिए ये क्या लिखा है आपका, धूप, और आपने ऐसे करके धूप लिख लिया, सिंपल। जिधर तो जीम, और उसके बाद ये दाल हो गया, और फिर रे हे और रे हो गया जिधर, ठीक है। इसी तरह से आप सारे लिख लेंगे, देखिए ढो लक, लाम और कफ ढोलक, ठीक है, गाफ और डाल गड, और हे अलिफ गड्ढा, ठीक है ना। पढ़ना तो पे और ले पढ़, हे नून और अलिफ पढ़ना, ओके। तो आप लोग इस तरह से इन्हें लिख लेंगे, बहुत आसान से हैं ये सब। चलिए अब यहाँ पे ये आपको दिया गया है, इनको मिला मिला के आपको लिखना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, बे दाल और हे ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, दाल हे वाव और मीम, ठीक है। इसी के बाद ये देखिए, गाफ रे, ठीक है, हे और लाम, ठीक है, इस तरह से। देखिए आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे फिर ये बात आपको रिपीट कर देती हूँ कि आप लोग मेरी शुरू की वीडियोस देखें जिसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि उर्दू में कौन से ऐसे हर्फ हैं जो अपने बाद, अपने पहले, अपने आगे जोड़ते हैं, बीच में जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताई है, आप लोग उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये समझने में आसानी हो कि हमें कौन सा हर्फ किसके साथ जोड़ना है और किसके साथ नहीं जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग वो भी वीडियो ध्यान से देख लेंगे ना, उसको समझ लेंगे अगर आप लोग, तो फिर आपको बाकी वीडियोस की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसे जोड़ना है किसे नहीं जोड़ना है, फिर आपको वो चीज़ वहाँ क्लियर हो जाएगी, तो बाकी आप जो सवाल है वो चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे। चलिए बहरहाल तो ये आपने लिख लिए, अब हम लोग नेक्स्ट लिख लेते हैं। देखिए नून और डाल ऐसे करके, ठीक है, और हे अलीफ और लाम, अभी ये आ चुका है ना निढाल, उसके बाद दाल अलीफ रे और ऐसे करके ये दाढ़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इन्हें लिख लेंगे। अच्छा अच्छा चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से जुमले मुकम्मल कीजिए, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो अब आपको यहाँ देखिए क्या लिखा है, किधर, धूप, दूध और पढ़। तो अब आपको ये चार दिए गए हैं, इनसे आपको ये जुमले मुकम्मल करने हैं। अब क्या लिखा है, आज तेज़ है, क्या है, धूप। ओके, तो पहले में क्या आ जाएगा, धूप। तुम जा रहे हो तो क्या आ जाएगा, किधर। ठीक है, तुम किधर जा रहे हो। अब अगला आपका देखिए यहाँ क्या दे रखा है, किताब लीजिए, सेहत के लिए ज़रूरी है। तो किताब लीजिए के साथ क्या आ जाएगा, किताब पढ़ लीजिए, है ना, किताब पढ़ लीजिए। और सेहत के लिए दूध ज़रूरी है। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके, तो आप लोग इस तरह से इसे कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए लिखा है ना, सेहत के लिए दूध ज़रूरी है। अब यहाँ लिखा है कि नीचे लिखे हुए जो हर्फ हैं, लफ्ज़ जो आपको नीचे ये दिए गए हैं, इनका जो पहला हर्फ है उस पर निशान लगा के यहाँ सामने आपको बनाना है, जैसे आपने 21, 22 में किया इसी तरह से सेम। तब ये देखिए ये आपका डाल और हे है, तो आप ये लगा लेंगे। इसके बाद दाल और हे है, ये लगा लेंगे आप। फिर से आपका दाल और हे है, और उसके बाद फिर से आपका डाल और हे है। अब आप इसको इस तरह से सर्कल करेंगे और आप यहाँ सामने लिख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ आपको दिया गया है कि इन लफ्ज़ों को पढ़वाइए, तो आपको ये लफ्ज़ पढ़ने हैं। अब आपका पहला इसमें क्या है, देखिए, धार, ठीक है। दूसरा क्या है, सजधज। तीसरा क्या है आपका, धूल धप्पा। तीसरा, चौथा क्या है आपका, धमा धम, ठीक। उसके बाद क्या है, धाबा। उसके बाद क्या है, निढाल। उसके बाद क्या है, ढारस। उसके बाद क्या है, रीढ़, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, चढ़ाई, कढ़ाई, टेढ़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे पढ़ लेंगे। अब अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब देखिए आपका ये सबक नंबर 24 शुरू होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।